राष्ट्र संत मुनि श्री 108 बिहार सागर जी महाराज का पावन चतुर्मास कमला नगर के श्री 1008 महावीर दिगंबर जैन मंदिर में चल रहा है। चतुर्मास के दौरान मुनिश्री के संत भवन में मंगल प्रवचन चल रहे हैं। प्रवचन के माध्यम से मुनिश्री ने श्रावकों को बताया कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है, इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। ध्यान का विषय चल रहा है और जहाँ पर ध्यान के चार प्रकार से ध्यान किया जाता है, दो में थोड़ी मेहनत करना पड़ती है और दो जो है सहज भाव से हो जाते हैं। और जो चीज़ सहज भाव से मिल जाती है उसमें फिसलने का डर भी होता है। जनरल बोगी बड़ी आराम से मिल जाती है। हरियाली तीज पर मुनिश्री ने हरियाली तीज के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि तीज का त्यौहार महिलाएं कैसे मनाएं। राष्ट्र संत मुनिश्री 108 बिहार सागर जी महाराज के प्रवचनों को सुन अपनी आत्मा की निर्जला करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ संत भवन में उमड़ रही है। कमला नगर के डी ब्लॉक मंदिर में चल रहा है और 15 दिनों की एक विशेष श्रृंखला प्रवचनों की क्रीम क्लासेस के नाम से अभी चल रही है, जिसमें जैन धर्म के प्रमुख प्रमुख बिंदुओं को बताया जा रहा है और 15 दिन बाद इसकी क्लासेस की परीक्षा भी ली जाएगी और परीक्षा लेने के बाद उसमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको पारितोषक दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। इस समय मुनिश्री बेहर सागर जी का चातुर्मास हो रहा है और इस चातुर्मास के अंतर्गत जो है 6 तारीख को नेमनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है, उसको हम जो बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। कर्मयोगी जैन मंदिर से एक विशाल जुलूस के रूप में 24 पालकियों में 24 तीर्थंकर विराजमान करके ये जुलूस निकाला जाएगा। उसके बाद यहाँ 2400 प्रतिमाओं जी के अभिषेक होंगे, उसके बाद जो शांतिधारा होगी उनकी, उसके बाद मुनिश्री के प्रवचन होंगे। 7 तारीख को पार्श्वनाथ लाडू हम सब लोग चढ़ाएंगे पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के उपलक्ष्य में। प्रवचन सभा में पीएनसी के चेयरमैन प्रदीप जैन ने मुनिश्री बिहार सागर जी महाराज को श्रीफल देकर धर्म लाभ दिया। कार्यक्रम का संचालन मनोज जैन ने किया। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।